नमस्कार। देखिए, स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ पर अपने नेक्स्ट चैप्टर को, चैप्टर नंबर 8, जो कि हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। जब हम लोग यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन यहाँ पर कुछ इस तरीके से आती है कि ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग स्टडी करते हैं, किस चीज की स्टडी करते हैं, किसी भी एक ट्रायंगल की एंगल और साइड के बीच में किस टाइप का रिलेशन होता है, उसके बारे में अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो वही ट्रिग्नोमेट्री है। मतलब आपके पास कोई ना कोई एक ट्रायंगल होगा, आप लोग जानते हैं ये ट्रायंगल की साइड होती है, यहां पर ये सब ट्रायंगल के एंगल होते हैं। तो अगर हम लोग इसी एंगल और इसके साइड के बीच में जो भी रिलेशन होता है, अगर उनके बारे में स्टडी करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पर उसके बारे में स्टडी करेंगे, तो वही हमारा ट्रिग्नोमेट्री है, उसी को हम लोग यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने दो वर्ड आ रहे हैं। सबसे पहले एक आ रहा है एंगल और एक आ रहा है यहाँ पर साइड। अब ट्रायंगल तो आप लोग काफी अच्छे से जानते हैं कि कोई भी आपके पास एक ऐसा पॉलीगन जिसके पास तीन एंगल होते हैं, उसके पास तीन ही साइड होते हैं, उसको ट्रायंगल कहते हैं। तो साइड तो हम लोग जानते हैं, उसके साइड के बारे में यहां पर सबसे पहले एंगल के बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने एंगल सुना तो हुआ है, लेकिन एंगल क्या होता है उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास जो यहाँ पर एंगल लिखा हुआ है, इस एंगल के बारे में हम लोग समझते हैं कि एंगल क्या होता है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर अगर आपको काफी ब्रीफ, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बहुत ही ज्यादा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन चाहिए, तो वो मैंने 11th क्लास के लिए बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 10th क्लास में हम लोग यहाँ पर उतनी ही बात करेंगे जितनी हमें यहाँ पर 10th क्लास के एक बिगनर स्टूडेंट के लिए जरूरत होगी। ओके, तो देखिए, एंगल आपके पास एक लैटिन नाम के वर्ड एंगुलस से लिया गया है। जैसे हम लोग यहाँ पर इंग्लिश बोलते हैं, कहीं हिंदी बोलते हैं, कहीं फ्रांसी बोलते हैं, कहीं चाइनीज बोलते हैं, तो उसी तरीके से एक लैटिन भाषा होती है। तो एंगल आपके पास एक लैटिन नाम के वर्ड से लिया गया है और वो वर्ड आपके पास होता है एंगुलस। मतलब एंगल को हम लोगों ने ये जो लैटिन वर्ड एंगुलस है यहां से उठाया है, और लैटिन वर्ड में जो एंगुलस लिखा हुआ है, इस एंगुलस का मतलब होता है कॉर्नर। इस एंगुलस का मतलब होता है कॉर्नर। इसका मतलब ये जो आपके पास एंगल है, ये इस कॉर्नर नाम के वर्ड से कोई ना कोई रिलेशन यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, किसी ना किसी रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एंगल और कॉर्नर के बीच में कोई ना कोई रिलेशन है, उसको हम लोग समझेंगे कि वो क्या रिलेशन है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले कॉर्नर के ऊपर बात करेंगे कि कॉर्नर क्या होता है। अब ये नहीं होगा कॉर्नर का मतलब कोना, हाँ कोना तो होता है, लेकिन कैसे डिफाइन करेंगे उसको समझिएगा। मान लीजिए आपके पास कोई भी एक लाइन जा रही है, कोई भी एक लाइन ऐसे जा रही है, और वो लाइन क्या करती है, किसी ना किसी एक पॉइंट से बैंड हो जाती है। मतलब वो किसी भी चीज से टकराती है, टकराती भी नहीं होगी। आपके पास एक लाइन जा रही है, वो लाइन बैंड हो गई। जैसे मान लीजिए ये लाइन जा रही है, ये लाइन यहां पर पहुंची और यहां पर पहुंचने के बाद बेंड हो गई, इस डायरेक्शन में यहां पर बेंड हो गई। वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, बस इतना हमें समझना है कि लाइन यहां तक पहुंची, इस पॉइंट पर आई, और इस पॉइंट पर आने के बाद वो बेंड हो गई किसी ना किसी भी डायरेक्शन में। तो आपके पास वो जिस पॉइंट से बेंड हुई, वो लाइन आपके पास जिस पॉइंट से मुड़ी है, उसी पॉइंट को हम लोग यहां पर क्या कहते हैं, उसी पॉइंट को हम लोग यहां पर कॉर्नर कहते हैं। मतलब आपके पास कॉर्नर की डेफिनेशन को मैं कुछ इस तरीके से समझा सकता हूं कि मान लीजिए कोई एक रे है, आप रे समझते हैं, कोई भी आपके पास एक ऐसी चीज जिसका इनिशियल पॉइंट तो होता है लेकिन टर्मिनल पॉइंट नहीं होता। जैसे सन की रे, जो सन की रे होती है वो निकलती तो सूरज से है, लेकिन कहाँ पे जाके रुकती है ये किसी को नहीं पता। टॉर्च की जो रोशनी होती है, लाइट, वो निकलती तो टॉर्च से है, लेकिन कहाँ पे जाके रुकती है ये किसी को नहीं पता। वैसे ही आपके पास एक रे हो, उसी चीज को हम लोग रे कहते हैं। तो वैसे ही आपके पास जो रे है वो किसी ना किसी पॉइंट से निकली, निकलने के बाद आगे चलती चली गई और किसी एक पॉइंट पर आके बैंड हो गई। तो बैंड होने का मतलब वो जिस पॉइंट से बैंड हुई है उसी पॉइंट को हम लोग यहाँ पर कॉर्नर कहते हैं। तो क्या कॉर्नर के बारे में आपको समझ आया? ओके, अब उसके बाद यहाँ पर कॉर्नर को काफी अच्छे से समझने के बाद हम लोग यहाँ पर एंगल की बात करेंगे। एंगल देखिए, अब समझिएगा ध्यान से, कॉर्नर को मैं एंगल से किस तरीके से रिलेट करवाऊंगा उसको समझिएगा। अब ये लाइन यहां से यहां पर बैंड हुई, तो इस लाइन का मतलब आपके पास ये जो रे जा रही थी, या लाइन बोलूंगा कोई दिक्कत नहीं है,
तो ये जो रे जा रही थी वो बैंड होने के बाद मान लीजिए इधर चली गई इस डायरेक्शन में, तो वो कितना बैंड हुई वो रे आपके पास यहां से लेकर यहां से जा रही थी, जाने के बाद वो इस पॉइंट से यहां चली गई, तो ये कितना बैंड हुई उस जो जितना भी बैंड हुई है वो 1 यूनिट बैंड हुई, वो 2 यूनिट बैंड हुई, वो यूनिट क्या है अभी हमें समझ आएगा। जैसे टेम्परेचर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं, स्पीड वगैरह को किलोमीटर मीटर इन सब में मेजर करते हैं, वेट को किलोग्राम ग्राम इन सब में, वैसे ही अभी हम लोग एंगल को भी मेजर करेंगे कि किस यूनिट में करते हैं, वो अभी आगे की बात है। तो आपके पास ये जो रे है वो यहां से बैंड हो गई, तो कितना बैंड हुई यहां पर, वो जितना बैंड हुई है 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 100 यूनिट 500 यूनिट जो भी बैंड हुई है, अगर मैं उसी बैंड को यहां पर मेजर कर लूं कि वो कितना बैंड हुई है, तो वही रिजल्ट मेरे पास एंगल आता है। मतलब एक लाइन मेरे पास जा रही थी, जाने के बाद वो यहां से बैंड होकर मान लीजिए इधर चली गई, तो ये बैंड होने के बाद अगर मैं इसका ये बैंडिंग पॉइंट को जितना बैंड हुई है अगर मैं उसको मेजर कर लूं यहां पर कि ये लाइन मेरे पास कितना बैंड हो गई, तो वही मेरे पास यहां पर वो जो मेजर करता हूं मैं उसी चीज को यहां पर एंगल कहता हूं कि वो बैंड हुई तो कितना बैंड हो गई, उसी को मैं कहूंगा कि एंगल। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि अभी थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि 30 डिग्री बैंड हो गई, मतलब 30 डिग्री, डिग्री क्या हो गया आगे पढ़ेंगे, मैं बस हल्का सा रिवाइज वो छोटी सी क्लिप यहां पे उठा रहा हूं कि 30 डिग्री क्या हो गया, डिग्री जो हो गया एंगल का एक यूनिट हो गया, कि 30 डिग्री क्या हो गई, रोटेट हो गई मतलब मूव हो गई या बैंड हो गई, बैंड बोलना काफी अच्छा रहेगा, 50 डिग्री बैंड हो गई, 100 डिग्री बैंड हो गई, आप समझ रहे हैं। तो वही जो मैं यहां पर मेजर करता हूं अपनी बेंडिंग पोजीशन को, उसी चीज को मैं यहां पर एंगल कहता हूं। मतलब एक लाइन के जाने के बाद अगर वो किसी पॉइंट से बैंड हो जाती है, तो बैंड होने के बाद अगर मैं उसके मेजरमेंट को यहां पर उसकी रोटेशन जो भी वहां पर वो जितना रोटेट हो गई अगर मैं उसको यहां पर मेजर कर लेता हूं, तो वही मेरे पास एंगल आता है। क्या आपको एंगल के बारे में समझ आया? ओके, एंगल को यहां पर मैं इस तरीके से भी समझ सकता हूं कि मान लीजिए आपके पास एक लाइन है, अब ये लाइन ने क्या करा, यहां से आपके पास ये लाइन का भी इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट का मतलब लाइन शुरू में यही है, वो रोटेट होती है किसी ना किसी डायरेक्शन में, तो वो बात की बात है। इनिशियल का मतलब होता है कि स्टार्टिंग पोजीशन पे मेरी लाइन ये है, जैसे मेरा ये हाथ है, अब ये हाथ स्टार्टिंग में तो यहां पर है ऐसे, लेकिन ये ऐसे क्या करता है, ये ऊपर वाला हाथ ऐसे करके रोटेट होता है या फिर ऐसे नीचे की तरफ ये रोटेट होता है, कैसे भी होता है, तो ये लाइन मेरे पास यहां पर इस तरीके से रोटेट होती है, इस डायरेक्शन में इस तरीके से रोटेट होती है और मान लीजिए यहां पहुंच गई, तो ये लाइन अपने इनिशियल पॉइंट से, ये मेरे पास लाइन का इनिशियल पॉइंट है, ये मेरे पास लाइन का इनिशियल पॉइंट है या फिर इनिशियल साइड है, कुछ भी कह सकता हूं, तो इस इनिशियल पॉइंट से लाइन जो है मेरी रोटेट होकर वो यहां पहुंच गई, तो कितना रोटेट हो गई वो, ये लाइन यहां से यहां तक जाने में कितना रोटेट हो गई, उसी को अगर मैं मेजर कर लेता हूं तो वही मेरे पास एंगल आता है। आप देख सकते हैं पहली वाली डेफिनेशन भी यही थी कि लाइन जो है यहां से आई, यहां पर बैंड हुई, बैंड होने के बाद इस डायरेक्शन में चली गई, तो वो कितना बैंड हुई अगर मैं उसको मेजर कर लेता हूं कि वो कितना बैंड हुई है, तो वही मेरे पास एंगल था। मतलब एंगल इज द मेजरमेंट ऑफ बेंडिंग या फिर रोटेशन, बेंडिंग या फिर रोटेशन ऑफ ए रे या फिर मैं लाइन कह सकता हूं, फ्रॉम इट्स कॉर्नर, उसके कॉर्नर से वो कितना रोटेट होके चली गई, ऐसे इंग्लिश मेरे को नहीं आता। तो इतना आपको समझ आया कि भाई लाइन आई पॉइंट पे, किसी ना किसी कॉर्नर पॉइंट से टच हुई और रोटेट होकर किसी ना किसी अलग किसी भी डायरेक्शन में चली गई, तो वो जितना रोटेट या बैंड हो गई अगर मैं उसको मेजर करता हूं, तो मैं जिस चीज में मेजर करता हूं, जो मेजर करता हूं, वही मेरे पास एंगल है। एंगल के बारे में आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा। ओके, अच्छा अब आप लोग यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को देखते हैं। भाई आपके पास यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री आपके पास टोटल 3 वर्ड से मिलकर बना है, सबसे पहले ट्री, फिर ये गोनो और फिर वहां पर वो मैट्री। ट्राई का मतलब 3 होता है, गोनो का मतलब साइड होता है, मैट्री का मतलब मेजर। अगर आप उसकी 3 साइड्स के बारे में कोई भी यहाँ पर मेजर वगैरह स्टडी करते हैं तो वो ट्रिग्नोमेट्री है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्री एक रिलेशन है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक ट्रायंगल की साइड्स और अगर उसकी एंगल के बारे में स्टडी करते हैं, जो भी उनके बीच में रिलेशन है एंगल और साइड के बीच में, अगर हम लोग उसके बारे में यहाँ पर स्टडी करते हैं, तो वही हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपके पास ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के बारे में हम लोग बहुत सारी चीजें जानते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि जो ट्रायंगल का नामकरण होता है
वो लेफ्ट साइड पोजीशन की वजह से दिया जाता है। मतलब ऐसे यहां पर ए दिया, यहां पर बी दिया, यहां पर सी दिया, ये मैंने ट्रायंगल के जो तीन कॉर्नर थे उसके नाम दे दिए। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर ये जो मेरे पास कॉर्नर ए है, इस कॉर्नर ए के सामने वाली साइड का नाम मैं ए देता हूं, इस कॉर्नर जो कैपिटल बी है उसके सामने वाली साइड का नाम स्मॉल बी, और ये जो कैपिटल सी कॉर्नर है इसके सामने वाली साइड का नाम स्मॉल सी देता हूं। तो ट्रायंगल के बारे में हम लोग बहुत सारी चीजें जानते हैं। जैसे क्या क्या जानते हैं कि आप किसी भी एक ट्रायंगल को तभी बना सकते हो जब उसकी कोई भी दो साइड हमेशा तीसरी साइड से बड़ी होती है। मतलब किसी भी दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है, तभी आपके पास एक ट्रायंगल पॉसिबल होता है। हम लोग ट्रायंगल के बारे में ये जानते हैं कि अगर आप किसी भी दो साइड का डिफरेंस लेंगे तो उसका मॉडुलस हमेशा तीसरी साइड से लेस देन आता है। मतलब ये सब चीजें हम लोग जानते हैं ट्रायंगल के बारे में कि सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, द मॉडुलस ऑफ द डिफरेंस ऑफ द टू साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ट्रायंगल के बारे में कई चीजें जानते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में जो भी चीज पढ़ेंगे वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर पढ़ेंगे। मैं आपको दोबारा रिपीट करवा दूं, हम लोग यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में जो भी चीज पढ़ेंगे वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर ही पढ़ेंगे। अच्छा, ऐसा कोई कंपल्सरी रूल नहीं है कि ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो आप इसमें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में नहीं पढ़ सकते, पढ़ सकते हो। क्योंकि दुनिया के हर एक ट्रायंगल को, आप कोई सा भी ट्रायंगल उठा लीजिए, उसको एक राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट करा जा सकता है। थोड़ी सी ब्रीफ वाली बात बताई है मैंने, थोड़ी सी हाई लेवल की, ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, बस इतना बता दे रहा हूं 10th क्लास के बिगिनिंग लेवल के हिसाब से, बस इतना कि जैसे मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है। अब आपके पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, लेकिन आप यहां पर परपेंडिकुलर डाल के इसको राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर सकते हो। राइट एंगल का मतलब तो आप जानते हो कि भाई एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो ये ट्रायंगल अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो आप परपेंडिकुलर को डाल के एक राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहां पर अपने ऑब्ट्यूज एंगल की हेल्प लूंगा, आप देख सकते, सॉरी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के लिए हेल्प, आप देख सकते हैं कि यहां पर मैं एक ट्रायंगल को बना रहा हूं कुछ इस तरीके से, और ये यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, लेकिन ये राइट एंगल में कन्वर्ट करा जा सकता है। मैं क्या करूंगा, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दूंगा और इसकी बेस को थोड़ा सा आगे और बढ़ा दूंगा। अब उसके बारे में मैथमेटिक्स है तो जो भी हमें चीजें चाहिए होंगी वो तो हम लोग अपनी एलजेब्रा और कैलकुलेशन को लगा के काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ये आप समझ रहे हैं। तो इस ऑब्ट्यूज को राइट एंगल में कन्वर्ट करा जा सकता है। आप एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए 90 डिग्री और बेस को थोड़ा सा आगे और बढ़ा दीजिए। ऐसी चीजें हैं, बस इतना ही आपको बताना है कि ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट करा जा सकता है परपेंडिकुलर को डाल के। अब उसके बाद में यहां पर बात करूंगा अपने एंगल के साइन की। मतलब हम लोग यहां पर अपने टॉपिक की बात कर रहे हैं साइंस ऑफ एंगल के। साइंस ऑफ हमारा यहाँ पे नेक्स्ट वो है कि साइंस ऑफ एंगल, हम लोग यहाँ पर एंगल के साइन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पर कोई भी एक ये वाली लाइन है, ये मान लीजिए आपके पास एक लाइन है। अब ये लाइन की सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि किसी भी चीज के स्टार्टिंग को इनिशियल कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं दिल्ली से बॉम्बे तक जा रहा हूं, तो दिल्ली मेरा इनिशियल पॉइंट है और बॉम्बे मेरा यहाँ पर टर्मिनल पॉइंट है। मैं दिल्ली से चढ़ा, बॉम्बे उतर गया। मान लीजिए मैं गाजियाबाद से कानपुर जा रहा हूं, तो गाजियाबाद मेरा इनिशियल पॉइंट है, कानपुर मेरा टर्मिनल पॉइंट है। उसी तरीके से आपके पास यहां पर मान लीजिए एक लाइन है, तो ये लाइन आपके पास इनिशियल साइड है। अब ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए ये लाइन है, ये लाइन क्या होती है, अभी यहां पर है इनिशियल साइड है, ये कुछ समय बाद यहां पर टर्मिनेट होते 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 मान लीजिए यहां पर पहुंच जाती है। तो लाइन आपके पास पहले यहां पर थी और बाद में पहुंच के यहां पर आ गई, इसका मतलब ये इसका इनिशियल साइड है और बाद में जब वो यहां पहुंच गई तो ये यहां पर इसका टर्मिनल साइड है। तो आई थिंक इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बारे में आपको समझ आ गया होगा कि आपके पास लाइन की जो सबसे पहले वाली पॉइंट थी, पोजिशन थी, वो इनिशियल है और लाइन अब जहां पर पहुंच चुकी है वो आपके पास टर्मिनल साइड है। अब एक छोटी सी साइंस की बात, आप लोग यहां पर जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है, तो इसलिए इस दुनिया में किसी भी चीज को अगर हम लोग देखते हैं वो चीज एंटी क्लॉकवाइज हो रही है तो हम लोग उसको पॉजिटिव मानते हैं, और अगर कोई भी चीज हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है तो हम लोग उसको नेगेटिव मानते हैं। जैसे आपके पास यहां पर एक मान लीजिए क्लॉक है,
अब अगर इस दुनिया में कोई भी चीज हमारी इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है, इसका मतलब हम उसे पॉजिटिव मानते हैं क्योंकि हमारी अर्थ भी एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है। लेकिन इस दुनिया में कोई भी चीज अगर इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है तो हम लोग उसको नेगेटिव मानते हैं क्योंकि वो हमारी अर्थ से अपोजिट की तरफ मूव कर रहा है। तो वैसे ही अगर आपके पास मान लीजिए यहां पर एक पहले इनिशियल साइड था, लाइन मूव करते हुए यहां पर चली गई, मतलब वो इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो हम लोग कहते हैं कि जो हमारा एंगल होगा वो पॉजिटिव होगा, हमारा जो एंगल होगा वो पॉजिटिव होगा। और सबसे मेन चीज यहां पर एंगल को जो होता है, हम लोग यहाँ पर अपने ग्रीक वर्ड के लेटर से यूज करते हैं, कोई ऐसा कंपल्सरी रूल नहीं है लेकिन 90% हम लोग एंगल को अपने ग्रीक वर्ड के लेटर से यूज करते हैं, जैसे अल्फा बीटा गामा डेल्टा कापा जो भी ऐसा होता है थीटा, इस तरीके से। तो यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में 90% जगह आप लोग ये देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग अपने एंगल को थीटा से यूज कर रहे हैं। थीटा का सिंबल इस तरीके से होता है, इस तरीके से थीटा का सिंबल होता है जिसकी स्पेलिंग होती है THETA थीटा। तो आप लोग देखेंगे यहां पर भी एंगल को हम लोग इस तरीके से ही रिप्रेजेंट करेंगे जिसका नाम यहां पर थीटा देंगे। मतलब अगर ये चीज हमारी इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस तरीके से मूव कर रही है, तो हम लोग कह देंगे कि वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है, वो एंगल जो है वो हमारा एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है। लेकिन अगर यहीं पर ये इनिशियल साइड है और हमारी रे जो है वो इस मूव यहां से आई और यहां से बेंड करने के बाद इस डायरेक्शन में चली गई, तो इस डायरेक्शन में जाने का ये मतलब है, इस डायरेक्शन में जाने का ये मतलब है कि आपका एंगल अब यहां नीचे की तरफ आ गया। और नीचे की तरफ आने का मतलब अगर ये इनिशियल है, अगर ये आपका इनिशियल साइड है तो ये आपका यहाँ पर टर्मिनल साइड हो गया, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि जो आपका एंगल है वो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ मूव कर गया। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ मूव करने का मतलब है कि आप एक नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। आप कहाँ मूव कर रहे हैं? आप एक नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इसको याद रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव और क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव। क्या आपको ये समझ आया? ओके, अब ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पर अपने एक राइट एंगल ट्रायंगल को लूंगा, मैं यहां पर अपने एक राइट एंगल ट्रायंगल को लूंगा, राइट एंगल ट्रायंगल। अब जैसे ध्यान से देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसका एक एंगल यहां पर 90 डिग्री का होता है। मैंने अपने यहां पर एक ट्रायंगल को बनाया और आप देख सकते हैं यहां पर इसका जो ये वाला एंगल है वो 90 डिग्री का है। यहां पर कोई भी एंगल हो सकता है, यहां पर कोई भी एंगल हो सकता है, उस एंगल का नाम मैंने यहां पर थीटा दिया, उस एंगल का नाम मैंने यहां पर थीटा दिया। अब समझिएगा ध्यान से, अगर मैं एक छोटी सी बात करूं, मैं कैसी बात करूंगा, मैं यहां पर बात करूंगा इस ट्रायंगल की, पहले जो ये साइड है, मतलब एक साइड ये ए बी और सी, मतलब एक साइड ए बी है, एक साइड बी सी है, एक साइड ये ए सी है, इसके कोई नाम होता है क्या? हाँ, तो इसका नाम होता है, सबसे पहले समझिएगा, आपका ये जो बी सी है वो किसी भी ट्रायंगल इस ट्रायंगल ए बी सी का बेस है। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ट्रायंगल इस साइड बी सी पर बना हुआ है, इसका मतलब ये जो बी सी है वो बेस है। उस BC का क्या नाम है? यहां पर BC का नाम है बेस। आई थिंक आपको ये याद रहेगा। आप देख सकते हैं ये ट्रायंगल का बेस है। किसी भी चीज की जमीन को हमेशा बेस कहते हैं। जैसे मैं अपने यहां पर फर्श पे खड़ा हुआ हूं, फ्लोर पे, तो ये बेस है। आप समझ रहे हैं? ओके, अब आपके पास ये वाली साइड, जो ये वाली साइड है, ये वाली साइड आपके पास परपेंडिकुलर है, क्योंकि इसने क्या करा, परपेंडिकुलर डाला हुआ है इस BC पर। तो इस साइड AB को हम लोग यहां पर परपेंडिकुलर कहते हैं। साइड ए बी को हम लोग क्या कहते हैं? यहां पर परपेंडिकुलर कहते हैं। जबकि जो ये एसी वाली साइड है, ये क्या कर रही है? ये परपेंडिकुलर और बेस से कनेक्ट हो रही है। मतलब यहां पर आपके पास बेस से कनेक्ट हो रही है और यहां पर आपके पास परपेंडिकुलर से कनेक्ट हो रही है। तो इस साइड का नाम जो है ये एसी, इस साइड का नाम हम लोग यहां पर देते हैं हाइपोटेनियस। क्या नाम देते हैं हम लोग यहां पर इसका? हाइपोटेनियस। मतलब ये आपके पास किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में, ये आपके पास बेस है, ये आपके पास परपेंडिकुलर होती है और ये वाली साइड आपके पास हाइपोटेनियस होती है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। एक बार और, अगर ये समझ आ गया तब आगे बात करूंगा। भाई ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, लेकिन यहां पर एक छोटी सी रीजन होती है, उसको छोटा सा जो रीजन है उसको ध्यान से समझिएगा। अगर मेरे पास एंगल यहां पर थीटा बना हुआ है, अगर मेरे पास यहां पर एंगल थीटा बना हुआ है,
तो हमेशा थीटा के सामने वाली साइड को ही परपेंडिकुलर कहते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर मेरे पास एंगल 90 डिग्री का है और ये मेरे पास एंगल थीटा है। तो अगर मैं ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प लूं, जहां पे तीनों की तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो आप लोग सॉल्व करिए, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, आपको रिजल्ट पता चलेगा कि जो ये वाला एंगल है वो यहां पर 90 माइनस थीटा है, वो यहां पर 90 माइनस थीटा है। मैंने उसको कोई ना कोई नाम दिया, मान लीजिए मैंने उसको नाम दे दिया अल्फा, मैंने उसको नाम दे दिया अल्फा, जो कि एक ग्रीक वर्ड का सबसे, जैसे यहां पर ए फॉर एप्पल होता है वैसे वहां पर ए फॉर अल्फा होता है, तो मैंने उसका नाम अल्फा दे दिया। अब अगर मैं अपने एंगल को अब अल्फा मान के चल रहा हूं ना, तो अल्फा के सामने वाली साइड मेरे पास परपेंडिकुलर हो जाएगी। भाई हमेशा याद रखना, जो भी आपने एंगल लिया है उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। जिस लाइन पर आपका एंगल बन रहा है उसको हमेशा बेस कहते हैं, और हाइपोटेनियस तो हमेशा 90 के सामने वाली साइड को ही कहते हैं। साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज ऑलवेज हाइपोटेनियस। मतलब आपका किसी भी, मैं बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा है तो कंसंट्रेट करके समझिए, आगे क्वेश्चन में यहां पर आपको दिक्कत हो सकती है, ऐसे कई क्वेश्चन है आपकी बुक में। मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, हाइपोटेनियस वाली साइड कभी भी चेंज नहीं होती, वो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है उसको मैं हमेशा हाइपोटेनियस कहता हूं। लेकिन जो मेरी परपेंडिकुलर और जो मेरी बेस वाली साइड है वो समय समय पर चेंज होती रहती है। अगर मैं अपने एंगल को यहां पर लूंगा तो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, नीचे वाली साइड बेस, लेकिन मैं अगर अपने एंगल को यहां पर लूंगा तो इसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर और नीचे वाली साइड को बेस। मतलब आप समझ जाइएगा कि जहां पर मैं एंगल को लेके जा रहा हूं उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर, और जिस जगह एंगल टच हो रहा है मतलब नीचे वाली साइड, वो बेस। ये आपको समझ आया? ओके। अब इसी राइट एंगल ट्रायंगल में एक बहुत छोटी सी बात जो कि आप लोगों को काफी समय से पता होगी, 8th क्लास में बच्चे को सिखा दिया जाता है पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। आप लोगों को पता है जो बस मैं बता नहीं रहा हूं, बस आपको हल्का सा रिकॉल करवा रहा हूं क्योंकि हम लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो एक पाइथागोरस नाम के मैथमेटिशियन ने दिया हुआ था। इसके प्रूफ की बात मैं अभी यहां पर नहीं करूंगा, अगर आपको प्रूफ चाहिए तो कमेंट करो, किसी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम एक राइट एंगल ट्रायंगल पर वैलिड होती है, सेटिस्फाई होती है, जो कि ये कहती है कि हमेशा किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर हमेशा हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल होता है। मतलब आपके पास अगर कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसकी जो परपेंडिकुलर वाली साइड का स्क्वायर होता है प्लस जो उसकी बेस वाली साइड का स्क्वायर होता है, अगर आप इन दोनों का सम करेंगे तो रिजल्ट हमेशा हाइपोटेनियस वाली साइड के स्क्वायर के इक्वल आता है। ये पाइथागोरस थ्योरम कहती है। बस मैंने आपको यहाँ पर हल्का सा रिकॉल करवाया है क्योंकि मैं अभी इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। आपको याद रखना है कि कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो वहां पर उस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हमेशा हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये हमारा यहाँ पर छोटा सा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जो उसकी बेसिक चीजें हैं, जैसे एंगल क्या होता है, साइड्स क्या होती हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, पॉजिटिव एंगल एक नेगेटिव एंगल, या फिर हमारा पाइथागोरस थ्योरम या परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस, ये यहाँ पर इसके बारे में नॉलेज थी। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो के ऊपर बात करेंगे। तो इस वीडियो को हम लोग यहाँ पर यहीं पर क्लोज करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इंट्रोडक्शन काफी अच्छा होता है, आई थिंक आपको समझ आया होगा। अगर आपको बहुत ही ज्यादा ब्रीफ इंट्रोडक्शन चाहिए तो एक 11th क्लास की वीडियो है जो कि मैंने बनाई हुई है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, उसमें बहुत ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, चेक करो। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए। ओके।